सत श्री अकाल जी, अपना लास्ट ब्लॉग असी खत्म किया सी जी गुरद्वारा श्री चरण कमल साहिब कीरतपुर साहिब विखे, और ये हुण असी अगे चल पे हाँ जी अगले धार्मिक स्थान वल, जो कि इसे रोड दे उत्ते बनिया होया है। वो सामने तुसी देख रहे हो कीरतपुर साहिब तो मनाली फ्लाईओवर, उस तो पहले ही सामने तुहानू गुरद्वारा साहिब का बोर्ड लग्या नज़र आ जाएगा। और सामने तुसी राइट साइड ते देख रहे हो जी येलो कलर का बोर्ड लग्या होया है गुरद्वारा साहिब का। इत्थे लैफ्ट साइड ते है जी गुरद्वारा श्री बिबानगढ़ साहिब और गुरद्वारा श्री मंजी साहिब। असी अपनी कार इत्थे पार्क कर देंदे हाँ ते सब तो पहला तुहानू दर्शन करवाते हाँ गुरद्वारा श्री बिबानगढ़ साहिब के। उसदे बिल्कुल नाल ही अगे है जी गुरद्वारा मंजी साहिब। ये है जी सामने गुरद्वारा श्री बिबानगढ़ साहिब, इसकी एक एंट्री इस साइड तो है और दूसरी एंट्री सामने वाली साइड तो है। सो आओ जी अंदर चलते हाँ तो गुरद्वारा साहिब के दर्शन करते हाँ। यह गुरद्वारा साहिब नौवें पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का इतिहासिक अस्थान है। जदों नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने दिल्ली चांदनी चौंक विखे 11 नवंबर 1675 ईस्वी को शहीद कर दिता गया सी, तां उन्हां दी शहादत तो उपरंत भाई जेता जी, जो कि बाद विच अमृत छक के भाई जीवन सिंह जी बन गए सन, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का पावन सीस लेके श्री कीरतपुर साहिब विखे पुजे सन, और इस स्थान ते सुशोभित करके दशमेश पिता जी ने श्री आनंदपुर साहिब विखे सुनेहा भेजिया सी। दशमेश पिता जी परिवार अते बेअंत संगतां दे समेत इत्थे पुजे सन। बिवान के रूप के सतगुरां के पावन शीश नू कीर्तन करते हुए आनंदपुर साहिब लेके गए सन, इसलिए इस गुरद्वारा साहिब का नाम बिबानगढ़ साहिब पिया। और आनंदपुर साहिब विखे गुरद्वारा शीशगंज साहिब विखे सत्कार सहित संस्कार किया गया सी। सामने इतिहास का बोर्ड भी है जी, तुसी वीडियो नू पॉज करके पढ़ सकते हो। गुरद्वारा साहिब का एरिया काफ़ी खुला है, अंदर दो छोटे छोटे गार्डन भी बने हुए हैं, एक साइड ते लंगर हॉल भी बनिया होया है। तो आओ जी अंदर चलते हाँ तो दर्शन करते हाँ। यह है जी पूरा गुरद्वारा बिबानगढ़ साहिब का एरिया। इसकी लैफ्ट साइड वाले गेट तो असी अंदर एंटर हुए सी, और हुण असी राइट साइड वाले गेट तो अगे गुरद्वारा मंजी साहिब वल जावांगे। गुरद्वारा साहिब तो बाहर आके इस साइड सामने एक बोर्ड भी लग्या होया है गुरद्वारा मंजी साहिब का। यह गुरद्वारा साहिब छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की सपुत्री बीबी वीरो जी का अस्थान है। इस अस्थान ते उन्हां दीआं कुछ इतिहासिक वस्तां भी पईआं हन। सो आओ जी गुरद्वारा साहिब चलते हाँ तो दर्शन करते हाँ। गुरद्वारा बिबानगढ़ साहिब तो बाहर निकल के बिल्कुल स्ट्रेट जाके ही यह गुरद्वारा साहिब है। राइट साइड ते यह एक नाला जाता है, इस दे ऑपोजिट ही गुरद्वारा साहिब की बिल्डिंग है। ये देखो जी असी गुरद्वारा साहिब पहुँच गए हाँ। गुरद्वारा साहिब के गेट के बाहर भी इतिहास का बोर्ड लग्या होया है। इस स्थान ते बीबी वीरो जी वालों हत्थी कढ़िया होया रुमाल, पखा, मंजी ते सैली टोपी मौजूद हन। सो आओ जी अंदर चलते हाँ, गुरद्वारा साहिब के दर्शन करते हाँ और इन्हां इतिहासिक वस्तां दे भी दर्शन करते हाँ। ये है जी गुरद्वारा साहिब की बिल्डिंग। सामने वाली साइड स्टेयर्स चढ़दियां हन।
ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। इस दे अंदर ही एक साइड ते बीबी वीरो जी दा कमरा भी बनया होया है। सो आओ जी अंदर चलदे हां ते दर्शन करदे हां। प्रकाश स्थान तो पहला ही राइट साइड ते बनया होया है जी यह बीबी वीरो जी का पुरातन कमरा। और इत्थे ही पईया हां जी वह इतिहासिक वस्तां, दर्शन करो जी। यह छोटा जिहा कमरा है जी, इसकी दिख तो ही पता लग रहा है कि यह पुरातन समय का है। यह है जी गुरद्वारा श्री मंजी साहिब। आने वाले ब्लॉग दे विच मैं तुहानू गुरद्वारा श्री पतालपुरी साहिब जी के दर्शन करावांगी। और उस तो बाद शुरू हो रही है जी साड़ी श्री हजूर साहिब जी की यात्रा। सो बने रहना जी मेरे नाल आने वाले ब्लॉग्स दे विच भी। वीडियो देखने दे लई धन्नवाद जी। अगर वीडियो पसंद आई होवे तां लाइक और शेयर जरूर कर देना जी। सत श्री अकाल जी।